हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सलवार का बेल्ट किस तरह से बनाते हैं। जब भी हम मार्केट से कपड़ा खरीद के लाते हैं तो आजकल कपड़ों में तिरछापन बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसकी वजह से हमारा बेल्ट है वो एकदम सीधा नहीं बन पाता है और उसमें ऊपर की साइड में झोल आता है और बहुत सारी सलवटें आ जाती हैं। तो हम तिरछे कपड़े से बेल्ट किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए ये मेरे पास एक छोटा सा कपड़ा है और इसमें से मैं आपको बेल्ट बना के और काट के दिखाऊंगी। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें जिससे कि आपकी समझ में पूरी तरीके से आ सके। तो देखिए जैसे कि हमारे पास ये कपड़ा है और देखो ये कॉर्नर की तरफ से कितना तिरछा है, इसकी वजह से हम बेल्ट बनाते हैं तो हमारा कपड़ा है वो इस तरह से बाहर की तरफ निकल जाता है। तो हम उस परेशानी को कैसे दूर करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगी। तो देखो सबसे पहले तो हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए आपके पास सलवार का कोई भी नाप है, उस नाप के हिसाब से आप बेल्ट की लंबाई ले सकते हैं और उसकी चौड़ाई ले सकते हैं। तो देखिए मैं इस कपड़े को फोर फोल्ड कर रही हूँ और ये मैं आपको मीडियम साइज का बेल्ट काट के दिखा रही हूँ। ये बेल्ट है हमारा, ये 36 साइज का मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ और इसमें मैं 1.5 इंच कपड़ा है वो मैं फालतू रख रही हूँ। और बेल्ट की लंबाई रखते हैं हम 9.5 इंच और आप सलवार के हिसाब से छोटा या बड़ा यहाँ से इसे कर सकते हैं। तो देखिए मैं 9.5 इंच का इसे कट कर रही हूँ। और इस निशान से अब इसको मैं काट रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा बेल्ट है, ये कट के तैयार हो गया है। अगर आपका साइज है वो बहुत बड़ा है तो आप यहाँ पे इसमें जॉइंट भी लगा सकते हैं, तो ये बेल्ट की चौड़ाई है वो हमारी बढ़ जाएगी। आप साइज के हिसाब से इसे रख सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखाऊंगी कि इसकी हम सही तरीके से सिलाई कैसे करें। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको खोलेंगे और खोलकर हमारी ये जो खुली हुई साइड है इसको हम यहाँ से सिलेंगे। इस तरह से इस पे सिलाई लगाएंगे, पहले दोनों साइड में इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। देखो मैंने ये दूसरे कलर का धागा लिया है आपको समझाने के लिए, आप इसमें मैचिंग वाला धागा ही यूज करें। देखिए मैंने ये दोनों साइड से इस तरह से इस पे सिलाई लगा दी है और सिलाई लगा के फिर हम इस तरह से मोड़ के और इसको हम ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ के और इसे ऐसे मोड़ देंगे और इसको बराबर मोड़ते हुए ये हमें पूरा नेफा बनाना है सभी जगह से। इसी तरह से बराबर बराबर कपड़े को अंदर की साइड में फोल्ड करना है और फिर इसके कॉर्नर पर बिल्कुल यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कपड़ा है हमारा यहाँ से बहुत ही तिरछा है और यहाँ पे हमारे ये जो नेफा में यहाँ पे झोल आएगा। तो देखिए यहाँ से कपड़े में ये कितना तिरछापन है और इसकी वजह से हमारा ये बेल्ट है ये बिल्कुल सही नहीं बन पाता है और इस तरह से ये यहाँ से ऐसे ही खराब हो जाता है। तो आपको ये सही किस तरह से करना है, तो देखो यहाँ पे ये सिलाई मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है। तो देखो इसको हम सही कैसे करेंगे जिससे कि ये सलवटे नहीं आए, ये झोल नहीं आए और यहाँ से ये कपड़ा नहीं निकले। तो इस सिलाई को तो हम हटा देंगे, इस सिलाई को हटा के मैं इस पे दोबारा सिलाई लगा के आपको समझाती हूँ कि आपको सही तरीके से किस तरह से बनाना है। देखिए फ्रेंड्स इसकी सिलाई मैंने हटा दी है, इस पर मैं आपको दोबारा सिलाई करके दिखाती हूँ कि आपको एकदम सही कैसे बनाना है। तो देखो आप कपड़े को ऐसे ही मोड़ेंगे और यहाँ से नेफा की चौड़ाई है वो आपको ना ही ज्यादा कम रखनी है और ना ही ज्यादा चौड़ी रखनी है। यहाँ से तो पहले आप सिलाई को लॉक करेंगे जिससे कि यहाँ से ये सिलाई है हमारी निकले नहीं और फिर इस तरीके से मोड़ के हमारा ये जो नीचे वाला कपड़ा है इसको हल्का सा हाथ से हल्का सा टाइट करेंगे और ऊपर वाले कपड़े को हल्का सा लूज छोड़ेंगे, फिर इस पर सिलाई करेंगे।
देखिए इसी तरह से पूरे कपड़े को आपको इसी तरह से पकड़ना है और इसी तरह से इसमें मोड़ लगाना है और सभी जगह से बराबर मोड़ना है। आप इस तरह से अगर बेल्ट बनाएंगे तो आपका कपड़ा है जो कितना भी तिरछा है उसका भी बेल्ट एकदम परफेक्ट बनेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमारी ये सिलाई खत्म होने वाली है। तो देखो यहाँ से हमारा ये जो कपड़ा है ऊपर का कपड़ा और नीचे का कपड़ा एकदम बराबर है। तो देखो इस तरह से ये तिरछा नहीं निकला है। तो इस तरह से आप बेल्ट किसी भी तिरछे कपड़े से बना सकते हैं और यहाँ से भी सिलाई को लॉक करना है जिससे कि सिलाई हमारी बाद में निकले नहीं। ये हमारी सलवार की बेल्ट है ये बनके तैयार हो गया है। आप इसी तरह से किसी भी साइज का किसी भी तिरछे कपड़े से इस तरह से सलवार का बेल्ट बना सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे हमारी सिलाई से जुड़ी हुई नई नई वीडियो आपको देखने को मिल सके। थैंक यू।